पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला का निधन 1988 में दुखद रूप से हो गया, लेकिन उनकी विरासत 2014 में भी जिंदा है। पंजाब के एल्विस कहे जाने वाले सिंगर की कहानी इम्तियाज अली की नई फिल्म में दिखाया गया है, जिसमें दिलजीत दोसांझ लीड रोल में है। बायोपिक अमर सिंह चमकीला ने सिंगर को फिर से सुर्खियों में ला दिया है, जिनकी 27 साल की उम्र में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनकी हत्या अब भी अनसुलझी है। चमकीला अपनी पत्नी अमरजोत के साथ 80 के दशक में पंजाब में एक म्यूजिक सेशन थे। डबल मीनिंग वाले गानों के लिए जाने वाले चमकीला राज्य के सबसे फेमस सिंगर में से एक थे, लेकिन उन्होंने खुद को विवादों में हमेशा पाया। अपने करियर का बॉलीवुड के नमी फिल्म प्रोड्यूसर और निर्देश इम्तियाज अली की फिल्म अमर सिंह चमकीला ऐलान के बाद से ही विवादों में चल रही है। फिल्म पंजाब के मशहूर गायक रहे हैं अमर सिंह चमकीला के जीवन पर आधारित है, जिनकी बड़ी बेरहमी से सरेआम कत्ल कर दिया गया था। दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा स्टार इस फिल्म की रिलीज पर बीते दिनों लुधियाना की एक अदालत ने रोक लगा दी थी। इन सभी विवादों के बीच अब खबर आ रही है कि अमर सिंह चमकीला के प्रोड्यूसर इम्तियाज अली ने फिल्म को सिनेमा घरों के बजाय सीधा OTT पर रिलीज करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अमर सिंह चमकीला अपने समय के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बिक्री वाले कलाकार थे। चमकीला को अभी भी सर्वश्रेष्ठ लाइव स्टेज कलाकारों में से एक माना जाता है। इस फिल्म का म्यूजिक AR रहमान ने तैयार किया है। फिल्म में एक बार फिर से दर्शकों को रहमान इम्तियाज की गुलबंदी का जादू देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, दिलजीत और परिणीति दोनों ने ही फिल्म के कुछ गानों को अपनी आवाज भी दी है। वहीं पर अब इम्तियाज अली की ओर से किए गए ऐलान के बाद अमर सिंह चमकीला और अमरजोत की पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अमर सिंह चमकीला के प्रति लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अमर सिंह चमकीला के जैसा कलाकार अब तक ना पैदा हुआ है और ना ही पैदा होगा। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि अमर सिंह चमकीला की समाज को क्या देन है। उन्होंने जिस गंदगी के साथ अपने गीत प्रस्तुत किए, उनको परिवार में बैठकर नहीं सुना जा सकता। आपको बता दें कि अमर सिंह चमकीला के गीत ज्यादातर अश्लील होते थे। इसी वजह से एक बार अमर सिंह चमकीला ने श्री अकाल तख्त साहिब में जाकर माफी भी मांगी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर से इन अश्लील गीतों को गाना शुरू कर दिया। अगर पंजाब की विरासत की बात करें तो पंजाब का इतिहास कुर्बानियों से भरा है। पंजाब में बहुत से योद्धा, सूरवीर, गुरुओं और पीरों ने जन्म लिया है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि अगर इम्तियाज अली को अगर कोई अच्छी फिल्म बनानी थी तो पंजाब के किसी अच्छे रोल मॉडल को लेकर फिल्म बनाते। अमर सिंह चमकीला की मृत्यु की 36 साल बाद पंजाब के एल्विस के नाम से प्रसिद्ध पंजाबी लोक प्रतीक अमर सिंह चमकीला का जीवन और समय फिर से सुर्खियों में है। शुक्रवार 12 अप्रैल को इम्तियाज अली द्वारा निर्देश और अभिनेता दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा बायोपिक अमर सिंह चमकीला नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। फिल्म ने पंजाब के जटिल संगीत जगत में सबसे प्रसिद्ध पंजाबी लोक गायकों में से एक की कहानी की याद ताजा कर दी है। आपको बता दें कि आपको इम्तियाज अली का अमर सिंह चमकीला पर फिल्म बनाने का फैसला कैसा लगा, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े। पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला का निधन 1988 में दुखद रूप से हो गया, लेकिन उनकी विरासत 2014 में भी जिंदा है। पंजाब के एल्विस कहे जाने वाले सिंगर की कहानी इम्तियाज अली की नई फिल्म में दिखाया गया है, जिसमें दिलजीत दोसांझ लीड रोल में है। बायोपिक अमर सिंह चमकीला ने सिंगर को फिर से सुर्खियों में ला दिया है, जिनकी 27 साल की उम्र में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनकी हत्या अब भी अनसुलझी है। चमकीला अपनी पत्नी अमरजोत के साथ 80 के दशक में पंजाब में एक म्यूजिक सेशन थे। डबल मीनिंग वाले गानों के लिए जाने वाले चमकीला राज्य के सबसे फेमस सिंगर में से एक थे, लेकिन उन्होंने खुद को विवादों में हमेशा पाया। अपने करियर का बॉलीवुड के नमी फिल्म प्रोड्यूसर और निर्देश इम्तियाज अली की फिल्म अमर सिंह चमकीला ऐलान के बाद से ही विवादों में चल रही है। फिल्म पंजाब के मशहूर गायक रहे हैं अमर सिंह चमकीला के जीवन पर आधारित है, जिनकी बड़ी बेरहमी से सरेआम कत्ल कर दिया गया था। दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा स्टार इस फिल्म की रिलीज पर बीते दिनों लुधियाना की एक अदालत ने रोक लगा दी थी। इन सभी विवादों के बीच अब खबर आ रही है कि अमर सिंह चमकीला के प्रोड्यूसर इम्तियाज अली ने फिल्म को सिनेमा घरों के बजाय सीधा OTT पर रिलीज करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अमर सिंह चमकीला अपने समय के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बिक्री वाले कलाकार थे। चमकीला को अभी भी
सर्वश्रेष्ठ लाइव स्टेज कलाकारों में से एक माना जाता है। इस फिल्म का म्यूजिक A.R. रहमान ने तैयार किया है। फिल्म में एक बार फिर से दर्शकों को रहमान इम्ताज की गुलबंदी का जादू देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, दिलजीत और परिणीति दोनों ने ही फिल्म के कुछ गानों को अपनी आवाज भी दी है। वहीं पर अब इम्तियाज अली की ओर से किए गए ऐलान के बाद अमर सिंह चमकीला और अमरजोत की पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अमर सिंह चमकीला के प्रति लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अमर सिंह चमकीला के जैसा कलाकार अब तक ना पैदा हुआ है और ना ही पैदा होगा। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि अमर सिंह चमकीला की समाज को क्या देन है। उन्होंने जिस गंदगी के साथ अपने गीत प्रस्तुत किए उनको परिवार में बैठकर नहीं सुना जा सकता। आपको बता दें कि अमर सिंह चमकीला के गीत ज्यादातर अश्लील होते थे। इसी वजह से एक बार अमर सिंह चमकीला ने श्री अकाल तख्त साहिब में जाकर माफी भी मांगी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर से इन अश्लील गीतों को गाना शुरू कर दिया। अगर पंजाब की विरासत की बात करें तो पंजाब का इतिहास कुर्बानियों से भरा है। पंजाब में बहुत से योद्धा, सूरवीर, गुरुओं और पीरों ने जन्म लिया है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि अगर इम्तियाज अली को अगर कोई अच्छी फिल्म बनानी थी तो पंजाब के किसी अच्छे रोल मॉडल को लेकर फिल्म बनाते। अमर सिंह चमकीला की मृत्यु की 36 साल बाद पंजाब के एल्विस के नाम से प्रसिद्ध पंजाबी लोक प्रतीक अमर सिंह चमकीला का जीवन और समय फिर से सुर्खियों में है। शुक्रवार 12 अप्रैल को इम्तियाज अली द्वारा निर्देश और अभिनेता दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा बायोपिक अमर सिंह चमकीला नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। फिल्म ने पंजाब के जटिल संगीत जगत में सबसे प्रसिद्ध पंजाबी लोक गायकों में से एक की कहानी की याद ताजा कर दी है। आपको बता दें कि आपको इम्तियाज अली का अमर सिंह चमकीला पर फिल्म बनाने का फैसला कैसा लगा, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए दिशा अपडेट न्यूज़ के साथ।